बिहार में अकूत खनिज का भंडार मिला है। केंद्र ने बुधवार को 4 ब्लॉक बिहार को आवंटित भी कर दिया। आवंटन दिल्ली में खान मंत्रालय में अनलॉकिंग पोटेंशियल ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन की बैठक में की गई है। बैठक में खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम एवं प्रधान सचिव हरजोत कौर मौजूद थी। जो ब्लॉक आवंटित हुए हैं वे सभी औरंगाबाद, सासाराम और गया में अवस्थित हैं। तो वहीं आवंटित चारों ब्लॉक की नीलामी शीघ्र कराई जाएगी। नीलामी के बाद खनन होने से जहां प्रदेश में नए रोजगार का सृजन होगा तो वहीं बिहार की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। आपको बता दें कि बिहार में बहुत सारे मिनरल्स मिले हैं। जी हां, बिहार की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खबर है जो बिहार की आर्थिक तस्वीर को बदल सकती है। दरअसल खान मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में अनलॉकिंग पोटेंशियल ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में देश के कई राज्यों को ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, जिसमें बिहार को कुल 4 ब्लॉक आवंटित हुए हैं। ये ब्लॉक औरंगाबाद, गया, सासाराम जिलों के अंतर्गत है। औरंगाबाद और गया जिला में पोटास एवं सासाराम में निकेल क्रोमियम के भंडारण मौजूद हैं। ये तमाम जानकारी मिलने के बाद भारत सरकार के संसदीय कार्य व कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने तीनों जिलों के 4 ब्लॉक से संबंधित बुकलेट बिहार के खान मंत्री जनक राम को सौंप दिया है। इसे लेने के लिए दिल्ली में बिहार के खान मंत्री सहित विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस ब्लॉक के मिलने के बाद जनक राम खान एवं भूतत्व सहित बिहार से गई टीम बेहद उत्साहित दिखी। इन्होंने बताया कि चारों ब्लॉक नीलामी के लिए शीघ्र करवाई जाएगी। इससे न सिर्फ प्रदेश में रोजगार का सृजन होगा बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। बिहार के खान और भूतत्व मंत्री ने बताया है कि बिहार में क्रोमियम और पोटेशियम भारी मात्रा में मिले हैं। इसके चलते बिहार के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और देश के प्रधानमंत्री ने $5 ट्रिलियन का जो सपना देखा है उसमें बिहार भारी मात्रा में सहयोग करेगा। जनक राम ने आगे कहा है कि औरंगाबाद और गया में क्रोमियम मिला है जो एविएशन और मोबाइल में काम आता है। इस कड़ी में सासाराम में पोटाश मिला है जिससे रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में भी काफी सुधार होगा। जनक राम ने कहा है कि बिहार में माइनिंग के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है। पहले देश में नीति थी लेकिन नेता और नियत की कमी थी। वह नेता और नियत देश के प्रधानमंत्री का साफ दिख रहा है। माइनिंग के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने कानून में कई तरह के संशोधन किए हैं लेकिन अब अनेकों प्रकार के कानून में शिथिलता लाई गई है जिससे बिहार प्रदेश में भी माइनिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई है। तो देखने वाली बात ये होगी कि बिहार में अब कब से ये सब चीजें स्टार्ट होती हैं और कब से यहाँ के बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलती है।